नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। मेडिकल दाखिले के लिए नतीजों का इंतजार खत्म। सीबीएसई नीट के नतीजों का ऐलान। 6 मई को हुई परीक्षा में 13 लाख छात्रों ने लिया था हिस्सा। संघीय ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी है राज्यपाल। राज्यपालों और उपराज्यपालों के 49वें सम्मेलन में राष्ट्रपति का संबोधन। सार्थक सामाजिक बदलाव के लिए काम करने पर जोर। कहा, विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए करें प्रयास। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में आज तूफान और धूल भरी आंधी का खतरा। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भारी बारिश की जताई आशंका। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 5 लोगों की मौत। जल संकट से जूझ रहे शिमला में 10 दिन के लिए स्कूल बंद। सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को भारत की कड़ी चेतावनी। कहा, रमजान में संघर्ष विराम का फैसला वापस लेने को होंगे मजबूर। संघर्ष विराम पर सहमति के 5 दिन बाद भी अखनूर सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी में 2 बीएसएफ जवान शहीद। शोपिया में आतंकियों के ग्रेनेड हमले में 4 पुलिसकर्मी समेत 16 जख्मी। और ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटने से 25 की मौत, सैकड़ों जख्मी। ग्वाटेमाला सिटी का एयरपोर्ट बंद। राहत और बचाव काम में जुटी आपातकालीन सेवाएं। खबरें विस्तार से। मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए जरूरी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। जिन छात्रों ने नीट 2018 की परीक्षा दी थी वो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbsc.neet.nic.in और cbsc.result.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस साल नीट प्रवेश परीक्षा 6 मई को आयोजित की गई थी जिसमें 13,26,725 छात्रों ने हिस्सा लिया था। नीट की परीक्षा मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। छात्र इस परीक्षा को पास करके एम्स जैसे कुछ चुनिंदा संस्थानों को छोड़कर देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस या बीडीएस कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों को संघीय ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि राज्यपाल की भूमिका राज्य सरकार के विश्वसनीय सलाहकार और मार्गदर्शक की होती है। राष्ट्रपति भवन में आज से शुरू हुए राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। राज्यपालों और उपराज्यपालों का 49वां सम्मेलन सोमवार से राष्ट्रपति भवन में शुरू हो गया। 2 दिनों के इस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस बार फोकस बिंदु विकास यात्रा में पीछे रह गए देशवासियों के लिए लागू की गई योजनाओं की चर्चा पर है। राष्ट्रपति ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों की लगभग 10 करोड़ आबादी का बड़ा हिस्सा संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले इलाकों में रहता है और विकास के लिए पीछे रह गए इन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में राज्यपालों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश के 115 एस्पिरेशनल जिलों में सरकार ने तेज गति से विकास करने का जो फैसला लिया है राज्यपालों को भी उसके क्रियान्वयन की जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर होने के नाते राज्यपालों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में दाखिले, नियुक्तियाँ, परीक्षा नतीजे और दीक्षांत समारोह समय पर और पारदर्शी तरीके से हों। उन्होंने कहा कि देश के 69% विश्वविद्यालय राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं जिनमें 94% विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसके लिए राज्यपालों को अपने पद, अधिकार और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2018 से 24 महीनों तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सार्थक सामाजिक बदलाव के लिए काम करना ही गांधी जी की याद को संजोए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। शुरुआती सत्र में सभी राज्यों के राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। सम्मेलन में स्वच्छ भारत मिशन और आंतरिक सुरक्षा समेत दूसरे विषयों पर भी चर्चा हो रही है। इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ के अलावा
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी प्रेजेंटेशन देंगे। सम्मेलन को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सम्मेलन से पहले कल राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद ने चाय पर सभी राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कल अपने आवास पर सभी राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अलग अलग राज्यों के राज्यपाल के साथ मुलाकात कर अहम विषयों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के साथ सुलह की कोशिश नाकाम होती जा रही है। 29 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें 2003 के संघर्ष विराम समझौते को पूरी तरह से लागू करने पर सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आया और शनिवार देर रात पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। गोलीबारी में बीएसएफ के ASI SN यादव और कांस्टेबल वी के पांडे शहीद हो गए। इसके अलावा 15 से ज्यादा स्थानीय लोग जख्मी हुए। भारतीय सुरक्षा बलों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसमें दो जवानों को इंजरी हुई, क्रिटिकल इंजरी हुई, और बाद में उनकी अस्पताल ले जाते समय उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। हमने काफ़ी स्ट्रांगली जवाब दिया है और आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनका कितना नुकसान हुआ है, कितने लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। बीएसएफ फ्रंटियर के जम्मू मुख्यालय में बीएसएफ के शहीद जवान सहायक उप निरीक्षक SN यादव और हेड कांस्टेबल VK पांडे को पुष्पांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने DGMO स्तर की बातचीत के बावजूद सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है जो बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशन हुआ और जिसमें हमारे अभी तक 2 BSF के जवान भी शहीद हो गए और कई हमारे सिविलियन भी जख्मी हो गए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती की बात है। DGMO की बातचीत के बावजूद ये होना, ये नहीं होना चाहिए, पर इसके बावजूद हमारा ये मानना है कि यहाँ भी लोग मर रहे हैं, उस तरह भी लोग मर रहे हैं। इसको दोबारा DGMO को मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और ये जो बॉर्डर्स पे खून खराबा हो रहा है, शेलिंग हो रही है, इसको बंद किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान सीमा पार से गोलीबारी और आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा तो केंद्र सरकार संघर्ष विराम के फैसले को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। और इस बीच कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में रविवार को सतर्क सुरक्षा बलों की सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक घुसपैठिया मारा गया। और वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की है। शोपिया में आज हुए ग्रेनेड हमले में 4 पुलिसकर्मियों समेत 16 लोग घायल हुए हैं। आतंकियों ने शोपिया के बटपोरा चौक पर पुलिस टीम को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया। आतंकियों की तरफ से धमाके के बाद गोलीबारी किए जाने की खबर है। सुरक्षा बलों ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई के लिए मोर्चा संभाला तो आतंकी लोगों में मची अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। सड़क के किनारे हुए धमाके की चपेट में कई नागरिक भी आ गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। बीते कुछ दिनों से आतंकी लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर समेत देश के सभी राज्यों को फिर से निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने म्यांमार से आए रोहिंग्या समेत सभी अवैध प्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कहा है कि इस प्रकार के अवैध प्रवासी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और कई अवैध प्रवासियों को अवैध गतिविधियों में शामिल पाया गया है। आयकर विभाग ने मीडिया के एक वर्ग में आई इन खबरों का खंडन किया है कि मुंबई में आयकर कार्यालय सिंधिया हाउस में लगी आग से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की जांच से संबंधित दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए।
आयकर विभाग ने इन खबरों को पूरी तरह से झूठ और गुमराह करने वाला बताया। आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से संबंधित मामलों की जांच से जुड़े कागजात पहले ही दूसरे भवनों में पहुंचा दिए गए थे। और इस बीच देश की सार्वजनिक और निजी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी आज वित्त मामलों से जुड़ी संसदीय समिति के सामने एनपीए से जुड़ी जानकारियां साझा करने वाले हैं। वित्त मामलों से जुड़ी संसदीय समिति आज देश में बैंकिंग सिस्टम, बढ़ते एनपीए समेत बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े दूसरे मसले पर चर्चा करेगी। इस समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली हैं। ये बैठक आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के उस बयान के बाद बुलाई गई जिसमें उन्होंने सार्वजनिक बैंकों में घोटाले रोकने के लिए केंद्रीय बैंक को और अधिक नियामकीय शक्तियां देने की मांग की थी। उन्होंने कहा है कि उनके पास इस समय जो शक्तियां हैं वो घोटालेबाजों के मन में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जीएसटी के तहत इंट्रा स्टेट ई वे बिल देश भर में अनिवार्य हो गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरपर्सन बजाना सरन ने एक पत्र जारी करके कहा है कि 3 जून से इंट्रा स्टेट ई वे बिल जरूरी होगा। इसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा की वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ई वे बिल का होना जरूरी हो गया है। ई वे बिल केवल ई वे बिल पोर्टल से ही निकाला जा सकता है। इसके लागू होने के बाद ही नकद भाड़े में होने वाले माल के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लग गई है। सरकार ने ई वे बिल को 1 अप्रैल से लागू किया था और 3 जून को पश्चिम बंगाल में लागू होने के साथ ही ये सभी राज्यों में लागू हो गया। अगर आप भी छोटे बच्चों के होमवर्क कराने को लेकर परेशान हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि आने वाले समय में आपको इसे छुटकारा मिल सकता है। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को उनके स्कूल होमवर्क नहीं दे सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह कहा है कि केंद्र सरकार इस सिलसिले में संसद के मॉनसून सत्र में एक विधेयक लाएगी। मद्रास हाईकोर्ट के 30 मई के एक अंतरिम आदेश के मद्देनजर प्रकाश जावड़ेकर की यह टिप्पणी आई है। अदालत ने केंद्र से कहा है कि वो राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी करे कि वे स्कूली बच्चों के बस्ते का भार घटाएं और पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क से छुटकारा दिलाएं। अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि केंद्र मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुपालन में सरकार मॉनसून सत्र में नो होमवर्क विधेयक लाएगी और इसके पारित हो जाने की पूरी उम्मीद है। अदालत ने इस बात का जिक्र किया था कि बच्चे ना तो वेट लिफ्टर हैं और ना ही बस्ते से लदे कंटेनर हैं। इसने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि स्कूली बस्ते का वजन बच्चे के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए 2 टीमें गठित कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने भोपाल और नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद में मतदाता सूची में कथित धांधली की शिकायत पर जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया है। भोपाल के लिए गठित आयोग की टीम नरेला और भोजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेगी जबकि नर्मदापुरम के लिए गठित टीम सिवनी, मालवा और होशंगाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेगी। ये दोनों टीमें 7 जून तक निर्वाचन आयोग की अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेंगी। मध्य प्रदेश के लिए जनवरी में जारी मतदाता सूची में कांग्रेस ने गड़बड़ी का आरोप लगाया था। और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दक्षिण अफ्रीका की 5 दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने कल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों में सहयोग बढ़ाने पर के उपायों पर चर्चा की। वो आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी। इस दौरान सुषमा स्वराज भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सहयोग मंच यानी कि इप्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। दक्षिण अफ्रीका में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 6 जून को वहां के धरोहर स्थल फिनिक्स सेटलमेंट भी जाएंगी। फिनिक्स बस्ती वही स्थान है जहां एक समय महात्मा गांधी रहे थे। उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया था। इसके अलावा विदेश मंत्री कई और कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगी। 2018 भारत दक्षिण अफ्रीका के संबंधों के लिहाज से अहम है। इस साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरे हो रहे हैं। सुषमा स्वराज शनिवार को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना हुई थी। इस बीच उन्होंने मॉरिशस में रुककर वहां के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ से मुलाकात की। इस बैठक में भारत और मॉरिशस के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई।
और ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन। अखिलेश, सुषमा स्वराज दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर हैं, आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जो बैठक होने वाली है उसमें हिस्सा लेने वाली हैं। क्या अहम एजेंडा है, किन अहम बातों पर आज की इस बैठक में चर्चा होने वाली है? देखिए अमृता, ब्रिक्स में जो समिट होना है, ब्रिक्स समिट होना है जुलाई में, और उस समिट के पहले आमतौर पर विदेश मंत्रियों की बैठक होती है जिसमें समिट से संबंधित दस्तावेज फाइनल किए जाते हैं और समिट में किन किन एजेंडों पे चर्चा होगी उसको भी अंतिम रूप दिया जाता है। तो एक तो उसका मतलब ये है कि एक तरफ से एक तैयारी बैठक है जिसमें सुषमा स्वराज भाग ले रही हैं, इन पाँचों देशों के विदेश मंत्री रहेंगे और आज वो करीब 5:30 बजे इन लोगों की, पाँचों विदेश मंत्रियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें कि वे लोग बताएंगे कि ब्रिक्स में किस किस एजेंडे पर बातचीत होगी। क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा मंच के रूप में विकसित किया गया जो इसको कि माना जाता था एक समय कि नेटो का, जो अमेरिका का एक अलायंस है दुनिया में, सैनिक अलायंस है, उसका एक समानांतर अलायंस है। लेकिन इन देशों ने सबसे पहले एक ब्रिक्स बैंक की स्थापना करके इस बात को झुठला दिया कि यह एक सैनिक संगठन नहीं बनने जा रहा है बल्कि यह दुनिया में विकास को एक बढ़ावा देने वाला संगठन बनने जा रहा है। और इस विकास के साथ साथ दुनिया में जो एक शक्ति संतुलन है, जो एक तरह से कहें कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के पक्ष में झुकी हुई थी, उस शक्ति संतुलन को भी एक समानांतर बहुत ध्रुवीयता का एक केंद्र बनाने के लिए ब्रिक्स का गठन किया गया। तो ब्रिक्स में आप देख रहे हैं कि दो जो हैं वो रसिया और चाइना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, लेकिन जो तीन हैं, जो ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका, ये सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इस मामले में कहें कि एक बहुत ही रोचक संगठन बना जो कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो दुनिया में अपने लिए सम्मानजनक स्थान चाह रही हैं और दुनिया में बहुत ध्रुवता को बढ़ावा दे रही हैं। तो इस मामले में 18 ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है, 10वां ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, उस ब्रिक्स सम्मेलन में खास तौर पे आतंकवाद और एक जिसे कहा जा रहा है कि चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के मामले में भी ये लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो अभी एक नए तरीके से जो एक पूरा जो विस्तार हुआ है नॉलेज इंडस्ट्री में, जो तकनीक में जो विस्तार हुआ है, उस नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इन ब्रिक्स देशों का की क्या भूमिका होगी, इसके बारे में चर्चा होगी। और उसके अलावा एक नया उसमें यह भी रखा गया है कि जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, उस इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस में खासतौर पर उन देशों की कोई भूमिका नहीं होती निर्णय प्रक्रिया में जिनके लोग वहां पीस कीपिंग में योगदान कर रहे हैं। तो इस मामले में इस ब्रिक्स सम्मेलन में चर्चा होने वाली है। अमृता, बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत आज योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को उनके साथ साझा किया। संपर्क फॉर समर्थन के तहत बीजेपी अध्यक्ष इससे पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव, पूर्व सेना प्रमुख दलवीर सुहाग और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से भी मिल चुके हैं। पूरे धैर्य से हर चीज को सुना है, मैंने उनको साहित्य भी दिया है और मैं मानता हूं कि बाबा के पास पहुंचने का अर्थ है करोड़ों लोगों के पास हमारी बात अपने आप पहुंच जाती है। तो बाबा ने फिर से एक बार हमें समर्थन का भी भरोसा किया, आशीर्वाद भी दिया जो हमेशा सबको देते हैं बाबा। योग के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत का गौरव, सम्मान और स्वाभिमान लौटाया, पूरे देश में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी साहब ने जिस तरह से कार्य किया बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, किसी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट थी या नहीं थी, है या नहीं, उसका ध्यान न रख करके कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, देश में गति बढ़ेगी तो प्रगति होगी, और ये आंखों से दिखता है काम। और भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और स्वदेश में विकसित मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित अब्दुल कलाम आइलैंड के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से रविवार को इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया और ये अपनी मारक क्षमता के मुताबिक पूरी दूरी तक पहुंची। अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के मुताबिक जिस मिसाइल का रविवार को परीक्षण किया गया वो अग्नि 5 श्रृंखला की अन्य मिसाइलों के मुकाबले नेविगेशन और गाइडेंस, वॉरहेड और इंजन के मामले में नई तकनीक के साथ सबसे ज्यादा कारगर है। ये मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई करने में भी सक्षम है। अग्नि 5 का यह छठा परीक्षण था।
इससे पहले इसी साल 18 जनवरी को इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था जो सफल रहा था। और ग्वाटेमाला के फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट की वजह से 25 लोगों की मौत की खबर है, सैकड़ों लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। फ्यूगो ज्वालामुखी में रविवार को हुए विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में राख और लावा फैल गया जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। हादसे के बाद से कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। राहत और बचाव का काम भी जारी है। ज्वालामुखी से अभी भी लगातार राख और लावा बाहर निकल रहा है जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के घर और फसलें बर्बाद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर की दूरी से हवा में राख के बादल दिखाई दे रहे हैं। राजधानी ग्वाटेमाला सिटी ज्वालामुखी से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्वाटेमाला सिटी का एयरपोर्ट एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। ग्वाटेमाला के एस क्विंटाला, चिमालटेंगो और सेक्टे पेग्स ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रपति जिमी मॉरल्स ने इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा ग्वाटेमाला के अन्य इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राष्ट्रीय आपातकालीन सेवाओं को राहत कार्य के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। और अब खेल की खबरें। महिला क्रिकेट टी20 एशिया कप के दूसरे मुकाबले में आज भारत का मुकाबला थाईलैंड की टीम से होगा। पहले मैच में भारत ने मलेशिया को 142 रन के बड़े अंतर से हरा दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 3 विकेट पर 169 रन बनाए। जवाब में मलेशिया की टीम 14वें ओवर में सिर्फ 27 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री आज जब इंटरकॉन्टिनेंटल कप में केन्या के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे तो सभी की निगाहें उन पर होंगी। सुनील छेत्री आज भारत के लिए 100वां मैच खेलेंगे। अब तक 59 गोल कर चुके छेत्री भारत की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। पिछले मैच में हैट्रिक करने वाले स्टार स्ट्राइकर ने एक बार फिर टीम को बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। पिछले मैच में चीनी ताइपे को हराने में सुनील छेत्री ने शानदार प्रदर्शन किया और हैट्रिक लगाई। और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में आज आंधी तूफान का खतरा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में तूफान और धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना भी जताई है। बीते हफ्ते धूल भरी आंधी और तूफान ने राज्य के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। तूफान और आंधी के चलते 17 लोगों की मौत हुई थी। ज्यादातर मौतें पेड़ के गिरने और मकानों के ढहने से हुई। और वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक असम, मेघालय, नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। उधर दक्षिण भारत में भी मानसून आने के साथ ही कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और हालांकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के ज्यादातर हिस्से तेज गर्मी के चपेट में हैं। रविवार को राजस्थान का श्रीगंगानगर 48.2 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा। चुरू में भी तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बाड़मेर, पिलानी और जयपुर का तापमान 40 के पार रहा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राजस्थान को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। और वहीं हरियाणा और पंजाब में भी गर्मी जारी है। हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस जबकि भिवानी में 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि राजधानी दिल्ली में रविवार को तापमान कम रहा लेकिन उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। राजधानी का अधिकतम तापमान कल सामान्य से 1 डिग्री कम 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा तो वहीं न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भी न्यूनतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री दर्ज किया गया जबकि भूंतर का न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री रहा। वहीं रविवार को ऊना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की
आशंका जताई है, जबकि निचले इलाकों में मौसम सूखा रहने का अनुमान है। दुनिया भर में पर्यटन के लिए मशहूर शिमला में इन दिनों पानी की किल्लत है। हालांकि पिछले दो दिनों में स्थिति में सुधार हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने जल संकट के चलते शिमला में 10 दिन के लिए स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। जल संकट का असर शिमला के पर्यटन उद्योग पर भी पड़ रहा है। यहां आने वाले पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी न मिलने से नाराज शहर के लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि शनिवार और रविवार को स्थिति में सुधार हुआ। यहां पे पानी की सप्लाई 2.25 करोड़ लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 2.80 करोड़ लीटर प्रतिदिन कर दी गई, लेकिन पानी की सप्लाई बढ़ाने के बावजूद अभी भी कई इलाकों में जल संकट बना हुआ है। इधर शहर में पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई को लेकर बढ़ती गई लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए सिंचाई और स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ने शिमला नगर निगम के एसडीओ के निलंबन का आदेश दिया है। सिंचाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि शिमला में पानी के संकट से निपटने के लिए पानी के 48 टैंकर लगाए गए हैं। इनमें से 28 टैंकर के जरिए लोगों को पानी की सप्लाई मुहैया कराई जा रही है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कई सालों में से अब की बार जो जल स्तर जो है वो इस बार जो है न्यूनतम है, और उस कारण से ये कठिनाई हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा आई और खासतौर से शिमला में। अब सारी स्थिति पर काफ़ी हद तक जो है वो नियंत्रण है। जो ऑगमेंटेशन की दृष्टि से जो करने की चीज़ें थी वो भी हमने की, और डिस्ट्रीब्यूशन के स्तर पर कुछ चीज़ें हमको ठीक करने के लिए थी वो भी हमने की। और आइए अब देखते हैं आज देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। और इसी के साथ आज खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।